213 अनुच्छेद 213 में बताई गई है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है, कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल हम अगर सदस्यों की बात करें तो टोटल 8 होते हैं अध्यक्ष सहित। तो यहाँ पर अध्यक्ष पहले से दे रखा है, तो 7 सदस्य और होंगे, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 176 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है, तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। और आप सभी को अगर किसी प्रश्न के उत्तर में अगर डाउट लगे तो प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताएं। वैसे ध्यान आंसर की जो हमने बनाई है वो काफी ध्यान से बनाई है, फिर भी अगर कोई गलती होती तो प्लीज आप हम सभी के साथ उसे आप जरूर शेयर करें। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है? तो यहाँ पर एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार, इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 333 में ये अधिकार दिया गया है, सी ऑप्शन 333। क्वेश्चन नंबर 5, पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? तो यहाँ पर 29 विषय इस 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं पंचायतों से संबंधित, डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है प्रकाश टाटिया, डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में राजकीय विद्यालयों के लिए स्कूल व्याख्याता का चयन किया जाता है, यानी कि स्कूल लेक्चरर्स के लिए चयन आरपीएससी इनका चयन करता है, और 3600 से पे ग्रेड की जितनी भी बड़ी वैकेंसीज होती है उन सभी के एग्जाम्स की जिम्मेदारी आरपीएससी को दी गई है, और 3600 से पे ग्रेड से कम की वैकेंसीज जो भी होती है उनके एग्जाम आरएसएमएसएस भी लेता है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा। अगला प्रश्न, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर होगा यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर आपको ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से आपको पता लगाना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है अनुच्छेद 157 वाला जो स्टेटमेंट है, दूसरा राज्य राज्य पूर्ण कर लेनी चाहिए, तो ये भी वाद्रा यानी वाल्रा के नाम से जाना जाता है, वाल्रा कृषि। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 है, और यहाँ पर राजस्थान 1.44 79.6 रेट में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित, इसमें यही पूछा है कौन सा सुमेलित लकड़ी के खिलौने बना सबसे अगर ज्यादा लेके 40 तक 21 से 40 तक वही क्वेश्चन दिए गए हैं। अब हम आगे 41 से हम स्टार्ट करते हैं जीके के जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो 40 तक ये प्रश्न दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 आप देख सकते हैं, निम्न में से किस नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 में जो आंसर रहेगा वो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा चंबल, सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन एक मुक्केबाज है जिसे महाराणा प्रताप पुरस्कार मिल चुका है? उदयपुर की गोरवी किस क्षेत्र की रिकॉर्ड होल्डर है, मतलब जो यहाँ पर ये जो उदयपुर की गोरवी है इसका कौन से खेल से संबंधित है, इनका संबंध किससे है? तो यहाँ पर 13 की होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया गया है? तो यहाँ पर मई 2018 से महिला कर्मचारियों की लागू की गई सहकार मसाला मेला 2018 का आयोजन मई 2018 में राजस्थान में से किस शहर में किया गया, जो कि अभी मई में ये आयोजन हुआ था जयपुर में, इसका टेक मीट ग्राम का आयोजन निम्न से किस स्थान पर किया गया? तो इसका आंसर क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा कॉमन सेंस से भी ये क्वेश्चन। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन से पहले भारतीय बाला फेंक खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा नीरज चोपड़ा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52, 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो यहाँ पर 26 स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने, सी ऑप्शन। बास्केटबॉल में 3 अंक खिलाड़ी मैदान बास्केटबॉल में 3 अंक मैदानी गोल क्षेत्र एरिया है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, इसका सही होगा 6.75 सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, 2018 राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स का मोटो क्या है? तो यहाँ पर इसका 18वें एशियन खेल का क्षेत्र अंडमान द्वीप होगा, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। वर्षा जल की कौन सी पीएच परास अम्लीय वर्षा का सूचक मानी जाती है? तो यहाँ पर 5.6 आप देख सकते हैं, भारत यूएन संबंधों के संदर्भ में कितने सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना है? 76 का सही आंसर